तो आज हम क्लास 12th हिंदी कंपलसरी में चैप्टर 9 इसमें फिराक गोरखपुरी का पार्ट दे रखा है, जिसमें दो चीज़ें संकलित हैं, एक तो इनकी रुबाइयाँ और इनकी गज़ल। तो इस वीडियो में अपन रुबाइयों पर चर्चा करेंगे और अगला जो वीडियो होगा इसका पार्ट 2, उसमें इनकी जो गज़ल संकलित हैं इस पार्ट में उन पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये है इनकी रुबाइयों की पहली चार पंक्तियाँ। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो पहले तो ये बात करें रुबाई। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। और इस पद की बात करें तो इसमें शायर ने वात्सल्य रस का चित्रण किया है, जिसमें माँ अपने नन्हे बच्चे को प्यार से अपनी बाहों में सुला रही है। तो अब इसकी व्याख्या। फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि एक माँ अपने प्यारे बच्चे को गोद में लिए आंगन में खड़ी है, कभी वह उसे हाथों से झुलाने लगती है और कभी उसे हवा में उछाल उछाल कर गोद में भर लेती है। प्यार करने की इस क्रिया से बच्चा खुश होकर खिलखिला कर हंस उठता है और आंगन में उसकी हंसी की किलकारी गूंज उठती है, तथा माता और पुत्र दोनों ही अति प्रसन्न होते हैं। अब इसमें विशेष देखें तो कवि ने वात्सल्य प्रेम के द्वारा माता और पुत्र की प्रसन्नता का वर्णन किया है। वात्सल्य रस है, दृश्य बिंब है, रुबाई छंद है। उर्दू हिंदी मिश्रित शब्दावली तथा लोका देना देशज भाषा का भी प्रयोग किया गया है। अब बात करें इसके दूसरे पद की। नहला के छल के छल के निर्मल जल से उलझे हुए गेंसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके हैं पिनहाती कपड़े गेंसुओं बालों को। और अब इसका प्रसंग देखें तो कवि ने माँ का पुत्र के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया है। अब व्याख्या देखें। माँ अपने शिशु को निर्मल पवित्र जल से नहलाती है, वह अपने हाथों से शिशु पर जल छलका छलका कर नहलाती है, फिर उसके उलझे हुए बालों पर कंघी करती है। जब वह शिशु को अपने दोनों घुटनों के बीच में रखकर अथवा थाम कर उसे कपड़े पहनाती है, तो शिशु बड़े प्यार से माँ के मुख की ओर देखता है। उस समय कितना ममतव्य छलक पड़ता है, उस समय शिशु का सरल मुख व माँ का निश्चल प्रेम साफ नजर आता है। विशेष देखें, कवि ने माँ के ममतव्य का सुंदर रूप से चित्रित किया है। वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति है। उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग तथा पिनहाती कपड़े में लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। है अपना तीसरा पद। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अर्थात कवि यहाँ पर दीपावली की शाम का वर्णन करता है। कहता है कि दिवाली की शाम है, घरों की पुताई या रंग रोगन करने से वे एकदम साफ सुथरे और सजे धजे हैं, अर्थात उन्हें खूब सजाया गया है। माता पिता अपने बच्चों को प्रसन्न करने के लिए चीनी के बने खिलौने लाते हैं, चमकते हुए दिए अपनी रोशनी बिखेरते हैं। उस समय माँ के आनंदित सुंदर मुख पर सौंदर्य की एक मधुर कोमल चमक या प्रसन्नता झलकती रहती है। वह बच्चे के खेलने के लिए बने हुए घर में दीपक जलाती है, जिससे बच्चा प्रसन्न हो जाता है और अपनी खिलखिलाती हंसी से पूरा वातावरण गुंजायमान कर देता है। तो अब इसका विशेष देखें तो कवि ने दिवाली की शाम का और माता और पुत्र का अप्रीतम खुशी का वर्णन किया है। और हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है, रुबाई छंद है, और इसमें शब्द ना रूपवती मुखड़ा व नर्म दमक, इसका अद्भुत प्रयोग किया गया।
अब है अपना चौथा पद। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अर्थात इसमें कवि ने बच्चे की जिद तथा माँ द्वारा उसकी इच्छा को पूर्ण करने का वर्णन किया है। कवि कहता है कि बालक अपने आंगन में झूठ मूठ रो रहा है, मचल रहा है, वह जिद किए हुआ है। वह बालक ही तो है, उसका मन चांद लेने पर आ गया है और वह माँ से चांद ला देने की जिद कर रहा है। माँ उसके हाथ में दर्पण देकर बहलाती है और कहती है कि देख चांद इस दर्पण में आ गया है, अर्थात चांद का सुंदर प्रतिबिंब दर्पण में उतर आया है। अब यह चांद तेरा हो गया है, अर्थात मैंने तेरी चांद पाने की इच्छा को पूरा कर दिया। अब इसका विशेष देखें तो कवि ने परंपरागत बच्चे की जिद तथा माँ द्वारा समाधान का स्वाभाविक वर्णन किया है। और दूसरा वही सेम हिंदू उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग, चित्रात्मक शैली, वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। अब है अपना पांचवा और लास्ट पद। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। इसमें कवि ने भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करा है और मीठा बंधन यानी रक्षाबंधन का वर्णन किया है। कवि कहता है कि आज रक्षाबंधन का पवित्र दिन है, जिसकी सुबह आनंद और मिठास से भरी हुई है, क्योंकि यह दिन भाई बहनों के मीठे बंधन का दिन होता है। आकाश में काले काले बादलों की घटा छाई हुई है, इन बादलों में बिजली रह रहकर चमक रही है। इसी बिजली की तरह राखी के रेशम धागे भी चमक रहे हैं। बहन प्रसन्नता एवं उमंग से अपने भाई की कलाई में उस चमकती राखी को बांधती है। अब इसका विशेष देखें तो कवि ने रक्षाबंधन का स्वाभाविक चित्रण किया है, उर्दू और हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग है, रुबाई छंद का प्रयोग है तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की प्रस्तुति भी की गई है। तो ये थी अपनी फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ। इसके पार्ट टू में अपन इनकी जो गज़लें संकलित हैं उन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।